भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। आसनसोल से बीजेपी का टिकट लौटाने वाले इस अभिनेता, जो कि पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, ने बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस कारण ये सीट एक बार फिर से चर्चा में है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा क्या की, इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा होने लगी है। पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह की इलाके में खासी पहचान है, खासकर भोजपुरी इलाके में युवाओं में उनका क्रेज है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार फिर यहां से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब उनसे पवन सिंह के चुनाव में खड़े होने की बात के संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह विज्ञान के छात्र हैं, उनसे वाणिज्य का सवाल नहीं पूछा जाए। उन्होंने पवन सिंह के चुनाव में खड़े होने के सवाल पर कन्नी काट ली। एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को मात्र एक सीट मिली है, वहीं माले के राजाराम सिंह यहां इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिसके बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा बढ़ गई है। पिछले तीन लोकसभा चुनाव में महाबली सिंह कुशवाहा तथा उपेंद्र कुशवाहा ने यहां जीत दर्ज की है, यानी तीनों बार कुशवाहा जाति के नेता ही यहां के सांसद हुए हैं। इस बार अब देखना है कि राजाराम सिंह तथा पवन सिंह के मैदान में आने पर चुनाव का क्या सीन होता है। पवन सिंह को लेकर इलाके में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में कुशवाहा जाति का वोट दो भाग में बढ़ सकता है, साथ ही पवन की फैन फॉलोइंग उनको अपनी जाति का वोट दिलवा सकती है। बड़ी बात यह है कि अब तक यहां जीत नसीब नहीं हुई। इस सीट से दो बार महाबली सिंह तथा एक बार उपेंद्र कुशवाहा ने जीत दर्ज की है। उपेंद्र कुशवाहा को भारत सरकार में मंत्री बनने का भी अवसर यहीं से मिला। काराकाट में इस बार 18,72,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जातीय समीकरण की बात करें तो ये इलाका यादव तथा कुशवाहा बहुल का है, वहीं स्वर्ण एवं मुस्लिम वोटर की यहाँ अच्छी खासी संख्या है। अति पिछड़ा में मल्ला की वोट काफी है, जो राजनीतिक समीकरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दलित महादलित वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस सीट से कुशवाहा तथा यादव तथा राजपूत जाति के वोटर यहाँ अपनी अपनी राजनीतिक साथी रहे हैं। यही कारण है कि अब तक सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग ही पिछले तीन लोकसभा चुनाव में यहां जीत दर्ज की है। काराकाट सीट पर सातवें चरण में अर्थात अंतिम चरण में मतदान होना है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस इलाके में राजपूत जाति के लोगों की संख्या यहां अच्छी खासी है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को इस सीट पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनकबार।